खुद के गिरेवान में बीजेपी को झांकना चाहिए। उनके पास बिहार से लेकर देश तक में कई ऐसे लोग हैं जिसमें कई तरह के मुकदमे हैं। कल तक जब आप विपक्ष में रहते हैं, दूसरे पार्टी में रहते हैं, तब तक सब ठीक है, गलत है, और जब उनके पार्टी में आ जाते हैं तो सब वाशिंग मशीन में धुल जाते हैं। तो खैर, बीजेपी का बात ही क्या है, कितना भी गंदा हो बीजेपी के वाशिंग मशीन में जाएंगे धुल जाएंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी लगातार फॉर्म में है, या फिर आप ये कहिए कि लगातार मुकेश सहनी एक के बाद एक बड़ा दाव भी चल रहे हैं। आपको मालूम है कि मुकेश सहनी के आवास पर मिलन समारोह चल रहा है। आपको ये भी मालूम है कि एक के बाद एक कई दिग्गज को मुकेश सहनी अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। और आपको ये भी मालूम है कि पहले दिन सीमा कुशवाहा वीआईपी का दामन थापती हैं, जिसके बाद बीके सिंह भी वीआईपी में शामिल होते हैं, और आज कई युवा नेताओं ने भी वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि वीआईपी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में जेडीयू छात्र प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत सिंह, युवा नेता रोशन सहनी और प्रिया सिंह ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वीआईपी पार्टी की सदस्यता ली है। देखिए, लगातार आपको मालूम है कि तीन दिनों से वीआईपी का मिलन समारोह चल रहा है और मुकेश सहनी गर्दा फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि मिलन समारोह के दौरान जब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से तेजस्वी यादव के बारे में पूछा गया, जब उनसे पूछा गया कि अब सीबीआई ने नई चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो जरा सुनिए उस पर मुकेश सहनी ने क्या कुछ जवाब दिया है। बीजेपी के खुद के गिरेवान में बीजेपी को झांकना चाहिए। उनके पास बिहार से लेकर देश तक में कई ऐसे लोग हैं जिसमें कई तरह के मुकदमे हैं। कल तक जब आप विपक्ष में रहते हैं, दूसरे पार्टी में रहते हैं, तब तक सब ठीक है, गलत है, और जब उनके पार्टी में आ जाते हैं तो सब वाशिंग मशीन में धुल जाते हैं। तो खैर, बीजेपी का बात ही क्या है, कितना भी गंदा हो बीजेपी के वाशिंग मशीन में जाएंगे धुल जाएंगे। और रहा कि ये चीज़ें 2017 में भी दिखाया गया था और ये सारे चीज़ को फैलाया गया, और उस समय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूर किया गया कि आपके बीच में गुनहगार है, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी मन बदले हैं। लेकिन सिर्फ ये चुनावी और एक पार्टी को कमज़ोर करने का षड्यंत्र है, ये पूरे बिहार और पूरा देश मान रहे हैं। और जहाँ तक न्याय प्रक्रिया है, वो न्याय प्रक्रिया अपने स्तर पे चलते रहेंगे, और ये सारी चीज़ें खाली उनको समाज में, राज्य में अस्थिरता फैलाने के लिए कोशिश है, इसमें इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। बीके सिंह के पार्टी में आने से पार्टी कितनी मजबूत हुई, खासकर आरा जिले में? निश्चित तौर पे आज ये पूरे बिहार में एक तो सबसे बड़ी बात है, मैसेज जा रहा है। कल सीमा कुशवाहा जी का ज्वाइनिंग है हुआ, आज बीके सिंह जी का ज्वाइनिंग हुआ, और रिटायर्ड कमिश्नर दिल्ली में रहे हैं। ऐसे सुलझे व्यक्ति, ऐसे बड़े अहदे पे काम करने वाले व्यक्ति आज वीआईपी पार्टी का आस्था पे, पार्टी पे आस्था जता रहे हैं, वीआईपी पार्टी के सिद्धांत पे चलने के लिए आ रहे हैं, वीआईपी पार्टी के नीति को अपना रहे हैं। तो ये हमारी उपलब्धि है और ये हमारी जीत है। और निश्चित तौर पे बीके सिंह जैसे उच्च अधिकारी वीआईपी पार्टी में, पूर्व अधिकारी यहाँ पे आए हैं, तो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के बीचों में मनोबल बढ़ेगा। गाँव गरीब जो हमारे लोग हैं, उनके मन में भी इच्छा जाहिर होगा कि हमारी पार्टी कमज़ोर नहीं है, बहुत मजबूत है। आपने देखा कि पिछले साल किस तरीके से षड्यंत्र के तहत हमारी पार्टी को ख़त्म करने का लोगों ने कोशिश किया, और बहुत हद तक वो कामयाब भी हुआ। लेकिन हम कमज़ोर जरूर हैं, लेकिन हताश नहीं हुए। पुनः हम अपने ज़मीन को वापस लिए, हमने लड़ाई लड़के बोछा में भी हमने ताकत दिखा दिया कि 30,000 वोट हम अकेले लाए हैं, और वहाँ से फिर कारवा चला और आज पार्टी अपने पैर पे खड़ा है। तो निश्चित तौर पे बीके सिंह जी को आने से पार्टी में सभी कार्यकर्ता को जोश जुनून कायम रहेगा और पार्टी मजबूत होगा। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। देखिए, आपको हम बता दें कि लगातार मिलन समारोह कर रहे हैं मुकेश सहनी। आपको ये भी मालूम है कि 25 तारीख को मुकेश सहनी बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, और आपको हम बता दें कि 25 तारीख से 100 दिनों की पद यात्रा पर भी निकलने जा रहे हैं मुकेश सहनी। यानी कि मुकेश सहनी लगातार एक्टिव
मूड में दिखाई दे रहे हैं, तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। देखना ये भी होगा कि आखिर आगे मुकेश सहनी किधर को जाते हैं, वो महागठबंधन में शामिल होते हैं या फिर एनडीए में शामिल होते हैं। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।